हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होंगी। जैसा कि आप कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 41 से क्वेश्चंस 100 तक की। दोस्तों ये सीरीज़ रखी गई है, मैराथन रखा गया है, PPMET RUHS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिए गए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी एक्सट्रैक्ट किए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए भी गए हैं हमारे द्वारा, जो कि दोस्तों जिनके आने के चांसेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको दोस्तों ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप यूपी के एग्ज़ाम्स हुए थे उनके स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी देख लीजिए, और उनमें भी क्वेश्चंस हमारे फंसे थे, ठीक है। और बात रही अब PPMET की, RUHS की एग्ज़ाम्स की, तो प्यारे बच्चों अभी PPMET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हमारे इस चैनल को, अभी थोड़े ही दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और आप एग्ज़ाम दोगे तब पता चल जाएगा आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आए हैं और कितने नहीं आए, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, और आप क्वेश्चन देखते रहिए, आपको खुद क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाएगा आगे चलकर। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ, हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस सारी आपको मिल सके, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर मेंशन कर रखे हैं मैंने आपको, नंबर पर आप मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको यह PDF, ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज की PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगी, राइट। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, मैं 6377449372, ठीक है। इन नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, राइट। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज का, तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल्स, अधिकांश कोशिकाओं में एक कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, यानी कि सेल में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके बारे में पूछा है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है बताओ प्यारे बच्चों, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि कोशिकाओं में अधिकांशतः पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मोस्ट सेल्स में पाया जाता है, मोस्टली सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 42 का क्वेश्चन आपका, विच आर दी फोर मोस्ट एब्यूनेंट एलिमेंट्स इन लिविंग सेल्स, यानी कि चार ऐसे कौन से एब्यूनेंट्स है, ऐसे कौन से चार सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं जो कि कोशिकाओं में पाए जाते हैं बताओ प्यारे बच्चों, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, बताओ प्यारे बच्चों चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट्स लिविंग सेल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पहला कार्बन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और चौथे नंबर का आता है वो होता है नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चार एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग सेल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाई, यानी दोस्तों जो स्टार्च है उसको माल्टोज में किस विधि द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, कौन से एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिससे स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है बताओ प्यारे बच्चों, डाइस्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, एमाइलेज। तो स्टार्च को जब हम माल्टोज में कन्वर्ट होता है प्यारे बच्चों तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन नंबर 1 A इज राइट आंसर, डाइस्टेज एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा कार्य करता है, कार्यशील होता है प्यारे बच्चों उसमें, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, यानी स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों, डाइस्टेज के द्वारा, डाइस्टेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोएंजाइम इज ऑफ्टन फॉर्म्ड फ्रॉम सहएंजाइम बताओ प्यारे बच्चों, सहएंजाइम अक्सर किससे गठित होते हैं, किसके बने होते हैं, कोएंजाइम, कोएंजाइम को हिंदी में बोला जाता है प्यारे बच्चों सहएंजाइम। तो सहएंजाइम किसके बने होते हैं, किससे गठित होते हैं, लिपिड से, प्रोटीन से, इनऑर्गेनिक आयन से, विटामिन से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटीन, प्रोटीन के द्वारा ये कोएंजाइम्स बने होते हैं जिनको सहएंजाइम्स हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा बने होते हैं प्यारे बच्चों कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स किसके मेड अप ऑफ होते हैं, तो ये प्रोटीन्स से मेड अप ऑफ होते हैं, ठीक है, किससे फॉर्म्ड होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं कोएंजाइम। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोएंजाइम इज ऑफ्टन फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बने होते हैं कोएंजाइम, प्रोटीन से, आपको राइट आंसर किस पे टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके,
अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन, बताओ मैसेंजर आरएनए कहाँ फॉर्म्ड होता है, बताओ प्यारे बच्चों। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, नॉन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैसेंजर आरएनए मैंने आपको प्रीवियस में जो क्लासेज में थ्योरी क्लासेज लगाई गई थी उनमें आपको बताया था मैसेंजर आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट है, ऐसे एलिमेंट है जो कि कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस में भी अगर पूछे तो न्यूक्लियोलस में तो आरएनए पाया जाता है और जो क्रोमेटिन होता है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन उसमें हमारा आरएनए पाया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको डीपली नहीं दिया गया है, यहाँ पे सुपरफिशियली पूछा है किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए किस में फॉर्म होता है, किस में बनता है प्यारे बच्चों, तो न्यूक्लियस में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इननेट ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल्स देयर पेरेंट, जन्मजात संतान अपने माता पिता के समान होती है, क्या होता है दोस्तों, किसके कारण होती है, वेरिएशन यानी भिन्नता होती है तब जाके जन्मजात संतान अपने माता पिता के समान होती है, हेरिडिटी जिसे आनुवंशिकी बोला जाता है, इनहेरिटेंस से रिजेंबल्स, बताओ कौन सी ऐसी, बताओ कौन सा ऐसा आंसर इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेरिडिटी आनुवंशिकी। दोस्तों आनुवंशिकी के कारण ही जन्मजात जो संतान होते हैं वो अपने माता पिता के समान होती है, यानी कि जो जन्मजात संतान है उसके जीन किससे मिलते हैं, माता पिता से। तो क्या कहलाएगी वो विधि दोस्तों, क्या कहलाएगी, हेरिडिटी जिसे आनुवंशिकी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हेरिडिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म इंडिकेट द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स फॉर मॉडिफाइंग ह्यूमन सेल्स, बताओ कौन सा शब्द मानव स्वास्थ्य और वातावरण को संशोधित करने के लिए जीवित जीवों या फिर उनके उत्पादों को उपयोग को इंगित करता है, बताओ प्यारे बच्चों कौन सा जीव है, बताओ राइट आंसर फार्माकोग्नोसी, थेराप्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। पूछा क्या है यहाँ पे, द टर्म इंडिकेट द यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन सा शब्द मानव स्वास्थ्य और वातावरण को संशोधित करने या फिर ठीक करने, एक तरह से बोल सकते हैं हम, संशोधित करने या फिर उसको मॉडिफाई करने, उसको सही करने के लिए जीवित जीवों या फिर उनके उत्पादों को इंगित करता है, या फिर जीवित जीवों को उपयोग को इंगित करता है, या कह सकते हैं हम उनको उपयोग में लेता है, बताओ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बायोटेक्नोलॉजी। अब आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा होगा तो बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या, द टर्म इंडिकेट दैट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, और देयर प्रोडक्ट्स यानी उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, मॉडिफाई द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, और क्या काम में लिए जाते हैं, मॉडिफाई करने के लिए ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों को मॉडिफाई करने के लिए, यानी प्यारे बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको ह्यूमन हेल्थ को मॉडिफाई करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बायोटेक्नोलॉजी। तो प्यारे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन याद नहीं है तो इसको याद कर लें, लिख लें, एक कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, तो इसको मार्क कर लें ताकि आपको अगर आगे भी रिवीजन करना हो तो आप इसको आसानी से पढ़ सके, याद हो जाए। ठीक है, तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो प्यारे बच्चों, जिससे कि क्या है सारे क्वेश्चंस के आंसर आप भी तुरंत लिख सको। बाकी पीडीएफ ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको ये सारी 100 क्वेश्चंस की। ठीक है, हु क्रैक्ड जेनेटिक कोड, यानी जेनेटिक कोड किसने क्रैक किया दोस्तों, बताओ आनुवंशिकी कोड किसने दिया था, आनुवंशिकी कोड मार्शल नीरेनबर्ग, थॉमस हंट मोने, यट भाई खान ने, अल्ब्रेक्ट कौसेल ने दिया था, बताओ प्यारे बच्चों आनुवंशिकी कोड किसने दिया, किसने दिया, मार्शल नीरेनबर्ग ने दिया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्शल नीरेनबर्ग, यानी हु क्रैक्ड जेनेटिक कोड किसने दिया प्यारे बच्चों, मार्शल नीरेनबर्ग में आनुवंशिकी कोड को दिया था। ठीक है, कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है आपको, कन्फ्यूज होना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर लगा रखे हैं। अगर आप तुरंत नहीं लिखते हो तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, आपने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बायोलॉजिस्ट दैट ऑब्जर्व स्मॉल रॉड लाइक बॉडीज इन डिवाइडिंग सेल्स एंड कॉल्ड देम, यानी ऐसा कौन सा बायोलॉजिस्ट है प्यारे बच्चों जिसने ऑब्जर्व किया था रॉड लाइक बॉडीज इन डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि सेल विभाजन के समय स्मॉल रॉड लाइक बॉडीज को किसने ऑब्जर्व किया था, बताओ प्यारे बच्चों क्या नाम है उस बायोलॉजिस्ट का, वहाँ पे पूछा, जीव विज्ञानी कोशिकाओं को विभाजित करने में छोटी रॉड जैसी निकाय देखी उन्हें क्या कहा, बताओ प्यारे बच्चों
क्या कहा उन निकायों को डिवाइडिंग सेल्स में रॉड लाइक जो बॉडीज़ देखी उन्होंने, बायोलॉजिस्ट ने, तो उन बॉडीज़ को क्या कहा? क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको ध्यान हो, मैंने थ्योरी क्लासेज में आपके लिए बताया था कि भाई क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं सेल में, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है पहले तो बता दूँ। राइट आंसर क्रोमोसोम्स। सेल में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है उनकी जो कैसी होती है, रॉड लाइक बॉडीज होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी कुछ इस तरह से, सेंट्रियोल्स में बताया था मैंने आपको। अगर आपने प्रीवियस की क्लासेज नहीं देखी है तो मैंने 40 से पहले के क्वेश्चंस प्रीवियस की क्लासों में क्लियर कराए हैं, तो आपने अगर वो क्लासेज नहीं देखी है तो जाकर वो क्लासेज देखिए थ्योरी की और एमसीक्यूज की, ताकि सारी क्लासेज आपके इंपॉर्टेंट समझ में आ सके, ठीक है। अगर आप प्रीवियस की क्लासेज नहीं देखोगे तो आपके थोड़ा समझ में कम आएगा, इसलिए प्रीवियस की क्लासेज देखिए पहले, उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेज के लिए डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़े रहना, ठीक है। तो क्या कहते हैं स्मॉल रॉड लाइक बॉडीज को? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों? रॉड लाइक बॉडीज होती है, ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज वर डेवलप्ड? बताओ कौन सी साल में टिश्यू कल्चर टेक्निक तकनीकी डेवलप की गई थी? बताओ किस वर्ष में ऊतक संस्कृति तकनीकों का विकास किया गया? बताओ प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है आपका 1907, ठीक है। 1907 में प्यारे बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक कब डेवलप हुई थी प्यारे बच्चों? 1907 में। यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक हिंदी को क्या बोला जाता है? ऊतक संस्कृति तकनीकी, ठीक है। ऊतक संस्कृति तकनीकी का विकास कब किया गया था दोस्तों? 1907 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर एवाइन फ्लू? यानी ऐसी कौन सी साल है जिसमें, ऐसी कौन सी वर्ष है जिसमें एवाइन फ्लू की पहला टीका को मंजूरी दी गई थी? बताओ फर्स्ट वैक्सीन कब अप्रूव हुई थी एवाइन फ्लू की? तो फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव हुई थी दोस्तों 2009 में। कब हुई थी? 2009 में एवाइन फ्लू की फर्स्ट वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सी ईयर में दी गई प्यारे बच्चों? 2009 में फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव की गई थी फॉर एवाइन फ्लू के लिए, ठीक है, एवाइन फ्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट कॉमर्शियल जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी? यानी कि हेपेटाइटिस बी के खिलाफ फर्स्ट वैक्सीन, कॉमर्शियली जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन किसने दी थी, किसने किया था उसका उत्पादन? किसने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वाणिज्यिक आनुवंशिकी रूप से इंजीनियर टीका का उत्पादन किया गया था? बताओ किसने किया था प्यारे बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन किसने दी थी हेपेटाइटिस बी के लिए? वो पूछा, रॉबर्ट ब्राउन ने, विलियम जे रोटर ने, येट माई खान ने, हर्बर्ट डब्ल्यू बॉवर ने? बताओ राइट आंसर होने वाला है आपका इसमें, होने वाला है स्टूडेंट्स विलियम जे रोटर ने, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन किसने दी थी, किसने प्रोड्यूस की थी दोस्तों? विलियम जे रोटर ने। किसके खिलाफ दी थी? हेपेटाइटिस बी के। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन से, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ दी थी। जो कैसी वैक्सीन थी? जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो आइडेंटिफाइड एन ओपाक्यू एरिया इन प्लांट सेल कॉल ए न्यूक्लियस? बताओ किसने आइडेंटिफाई किया था प्लांट सेल में ओपाक्यू एरिया, ठीक है, जिसे केंद्रक कहा उन्होंने। क्या कहा? केंद्रक कहा। यानी किसने पौधों की कोशिकाओं में अपारदर्शी क्षेत्र, ठीक है, और अपारदर्शी क्षेत्र की पहचान की, या फिर बोल सकते हैं आइडेंटिफाई किया, उनको खोजा, उसे केंद्रक कहा? क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन। अब यह पूछा क्या, ये देखो पहले तो आप क्वेश्चन को सही से समझा करो। वो आइडेंटिफाई ओपाक्यू एरिया इन प्लांट सेल, यानी ओपाक्यू एरिया के प्लांट सेल में किसने आइडेंटिफाई किया और कॉल्ड इट न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियस भी कहा उन्होंने। यानी कि एरिया को आइडेंटिफाई किया और उसे क्या कहा? न्यूक्लियस। यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है? न्यूक्लियस की खोज किसने की? क्योंकि एरिया इसे न्यूक्लियस कहा, तो यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज ए सॉइल बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेज ए प्रोटीन हैविंग इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज? बताओ कौन सा सॉइल बैक्टीरियम है जो कि कैसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्टिसाइडल होता है, इंसेक्टिसाइडल उसकी प्रॉपर्टी होती है?
कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों, मिट्टी का बैक्टीरिया जो कि एक प्रोटीन उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है, जो कि कीटनाशक उसमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में पाया जाता है वो ऐसी प्रोटीन उत्पन्न करता है जिससे कि कीटनाशक गुण होते हैं। बताओ प्यारे बच्चों कौन सा है, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, एक्लोबैक्टर ओरेंटिस या फिर एसिनेटोबैक्टर बाउमेनी या फिर एस्चेरियाई कोलाई या फिर बैसिलस थोरेंजियंसिस। इसमें राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा आपका बैसिलस थोरेंजियंसिस। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में पाया जाता है और एक प्रोटीन उत्पन्न करता है जिसमें कि कीटनाशक गुण होते हैं। राइट, तो सॉइल बैक्टीरियम यानी मिट्टी का बैक्टीरिया यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है इन विच द रेसिपिएंट्स जीनोम इज अल्टर, यानी ऐसा कौन सा प्राप्त करता है जिसमें जीनोम बदल दिया जाता है। बताओ प्यारे बच्चों कौन सी विधि है ऐसी जिसमें कि जीनोम अल्टर्ड किया जाता है। बताओ क्लोनिंग, सोमेटिक जीन थेरेपी या फिर जर्मन लाइन जीन थेरेपी या फिर जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें प्राप्तकर्ता का जीनोम बदल दिया जाता है उसके यहाँ पर जीनोम का नाम पूछा है। ठीक है, कौन सी विधि है ऐसी जिसमें प्राप्तकर्ता का जीनोम बदल दिया जाता है, बताओ इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमेटिक जीन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कि प्राप्तकर्ता का जीनोम बदल दिया जाता है। ठीक है, कौन सी थेरेपी हो जाएगी राइट आंसर, सोमेटिक जीन थेरेपी जिसमें प्राप्तकर्ता यानी रिसिपियंट का जीनोम अल्टर्ड कर दिया जाता है या फिर बदल दिया जाता है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवास्टेटिंग डिजीज आर बीइंग ट्रीटेड बाई, यानी कि डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, विनाशकारी रोग। डिवास्टेटिंग का मतलब समझ रहे हो ना आप, डिवास्टेटिंग यानी विनाशकारी रोग का इलाज किया जाता है। कौन सी थेरेपी है ऐसी जिससे कि विनाशकारी रोग का इलाज किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स में, बताओ। जीन थेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे कि विनाशकारी या फिर हम बोल सकते हैं घातक बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, जीन थेरेपी जैसे कि दोस्तों अनुवांशिक की बीमारी होती है जेनेटिक, जो कि बहुत ही खराब बीमारी होती है, इसको बोला जाता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिवास्टेटिंग डिजीज विनाशकारी रोग का इलाज किसी कौन सी विधि से किया जाता है, जीन थेरेपी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन टेक्निक यू इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन सी तकनीक है जो कि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है, बताओ। टिश्यू कल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन, प्लांट ब्रीडिंग या फिर नॉन ऑफ दियर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सी ऐसी तकनीक है जो कि जैव प्रौद्योगिकी में, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल किया गया है, बताओ। मेन टेक्निक यूज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर यानी कृषि, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी में शामिल किया गया है, बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर इज राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक्स है जिसे कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में काम में लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाज, यानी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम्स कौन सा था वो यहां पे पूछा है। फर्स्ट प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियो एंजाइम कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों ये। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंद सेकंड था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, हिंद सेकंड इज राइट आंसर। हिंद सेकंड एक ऐसा दोस्तों एंजाइम था जिसे कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नाम दिया गया था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम आर यूज्ड टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के काम में लिया जाता है। तो डीएनए अणुओं को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कैटालाइज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम या फिर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, बताओ दोस्तों। के पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये तो स्टोमक में पाए जाते हैं दोनों एंजाइम्स। ठीक है, और कैटालाइज एंजाइम है ये भी वहीं पे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए अणुओं को तोड़ने के काम में लिया जाता है। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कोर टेक्निक यू दैट एनेबल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि निम्न में से कौन सी वह मुख्य तकनीक है जिसे कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का जन्म संभव हुआ है, बताओ। बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है दोस्तों, अभी प्रेजेंट में जो बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसका दोस्तों जो वो हुआ था क्या, जन्म कौन सी तकनीकी से हुआ है, वह मुख्य तकनीक कौन सी है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर नाइदर वन और टू। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ए एंड बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, तो आपको कौन सा सही करना है यहाँ पे, बोथ ए एंड बी दोनों ऐसी टेक्निक यूज है जिससे कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। तो ठीक है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ कौन सी टेक्निक यूज हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये दोनों टेक्निक यूज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सी तकनीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग। राइट आंसर क्या होगा आपका, आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा प्यारे बच्चों, हमारे ये डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से, डीबी प्रो एजुकेशन तरफ से एक ई बुक निकाली गई है, ई बुक के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। ये ई बुक है प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ई बुक निकाली गई, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बिहार के लिए, ओके। तो ये चार राज्य जो मेंशन किए हैं इनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये बुक आप ई परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर लीजिए, राजस्थान बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बाकी सिलेबस सबका सेम है, इसमें पीसीबी तीनों सब्जेक्ट को शामिल किया गया, ठीक है। न्यू लंच के नाम से स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या खत्म की है, ठीक है। और दोस्तों यह ई बुक हमारे चैनल की तरफ से यूट्यूब पर पहली बार निकाली गई है, डीबी प्रो एजुकेशन, ठीक है। इसमें है क्या मटेरियल वो आपको मैं बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ठीक है। डीबी प्रो एजुकेशन के लिए यह निकाली गई है, ठीक है। अब बताता हूँ इसमें क्या है, वो मटेरियल इसमें क्या रखा गया है। तो दोस्तों इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा पर प्रहार पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स के, ठीक है। पीसीबी तीनों सब्जेक्ट इसमें शामिल है और ये बिल्कुल पेपर पैटर्न के ऊपर आधारित है, उसी हिसाब से पेपर पैटर्न इसमें सेट किए गए हैं, ठीक है। इसका प्राइस मात्र 51 रुपीज़ रखा गया है। बैंकिंग नेम अगर आप लेना चाहते हो तो नवनीत मीना के नाम से आएगी, और ये आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 6377449372। इन नंबर्स पर आप UPI करके, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप करना चाहते हो, अमेजोन पे, तो इन नंबर पर आप UPI कर नवनीत मीना नाम देख लेना एक बार, 51 रुपये पे कर आप यही बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें होने वाला क्या है, इसमें प्यारे बच्चों 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस में आपको 2010 से प्यारे बच्चों और 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स की समस्या क्या होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं, उन पर इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो उनकी वजह से वो इधर उधर देखते रहते हैं, बट यहाँ पे आपको सारा मटेरियल एक जगह ही मिल जाएगा, ठीक है। 2010 से 2023 तक के आपको क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा प्यारे बच्चों यह बनाया गया है, और अगर आप लेना चाहते हो यह तो 51 रुपीज़ आप पे कर यह परचेज कर सकते हो, ठीक है। ई बुक बहुत ही अच्छी होने वाली है प्यारे बच्चों, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस में आपको दोस्तों क्या है, हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है इसमें, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी हमारी क्लासेज के हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये ओनली फॉर 51 रुपीज़ में, ओके। तो परचेज करना चाहते हो तो जाओ, नंबर पर कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सअप से और परचेज करो, ठीक है। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो आता है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन बाज, यानी वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूछा गया है, यानी कि ऐसा पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है जो कि वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया था पहली बार, कॉटन, टोबैको, टोमेटो और राइस। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, इसमें राइट आंसर हो गया है तंबाकू, ठीक है। तो तंबाकू एक तंबाकू का पौधा होता है, आप सब जानते होंगे तंबाकू, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग पीते हैं, ठीक है। तंबाकू का एक पहला ऐसा पौधा है जिसको ट्रांसजेनिक पौधे के रूप में पहली बार प्रयुक्त किया गया था वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, ठीक है। तो कौन सा है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, तंबाकू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, वो होने वाला है टेक्निक यू फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेजन डीएनए इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म डीएनए इज नॉन एज, यानी कि कौन सी टेक्निक यू है किसी मेजबान जीव के डीएनए में विदेशी डीएनए स्थानांतरित करने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। होस्ट डीएनए में दोस्तों फॉरेजन डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी ऐसा अपने को अगर प्रजाति चेंज करनी है, आपको स्पीसीज चेंज करनी है, तो एक स्पीसीज में दूसरी स्पीसीज का डीएनए ट्रांसफ़र करवा देते हैं तो उसकी प्रजाति चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बताओ कौन से मेजबान जीव में विदेशी डीएनए स्थानांतरित करने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उस तकनीक को किस नाम से जाना जाता है जिसमें कि होस्ट डीएनए को फॉरेजन डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है। बताओ, एक सही डीएनए में दूसरे डीएनए को मिलाना या फिर उनकी स्पीसीज को चेंज करने के लिए डीएनए को उनमें इंसर्ट करना, कौन सी तकनीकों को नाम से जाना जाता है, बताओ प्यारे बच्चों। इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसफ़र करती है फॉरेजन डीएनए इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म डीएनए, ठीक है। तो डीएनए को ट्रांस करने वाली टेक्निक का नाम क्या है दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना आपको बिल्कुल।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी प्यारे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर की पूरा नाम पूछा, यहाँ पे क्या नाम है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमर चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्टिंग, पॉलीमराइजेशन चैन रिएक्शन। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर है पीसीआर का फुल फॉर्म। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, बताओ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन उत्पाद है, बताओ, इंसुलिन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंसुलिन, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, इंसुलिन सबसे फर्स्ट हार्मोन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादित किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड जो ग्रंथि है दोस्तों उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है उसके बारे में यहाँ पूछा है। ठीक है, कौन सा है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ फीमेल्स, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है प्यारे बच्चों जो कि महिलाओं के वायु कोष्ठिका से दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, यानी कि महिलाओं के एल्वियोलाई से दोस्तों कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि दूध के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है, सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्वियोलाई। ठीक है, बताओ, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, बताओ कौन सा इसमें राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क के सीक्रेशन को उत्तेजित करता है। ठीक है, इन फीमेल्स में कौन सा है दोस्तों जो कि मिल्क के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, तो वो हार्मोन हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, यानी कि इनमें से कौन सा एक डीएनए टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का उत्पाद नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उत्पाद नहीं, बताओ प्यारे बच्चों क्या है इसमें राइट आंसर। ग्लोफिश है, बीटी कॉटन है, या फिर फ्लेवर सावर है, फिर डॉली, चारों में से कौन सा आंसर सही है आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कौन सा उत्पाद नहीं है, बताओ। बाकी दोस्तों और सारे उत्पाद हैं लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन आपको दिया गया है जो कि उसका उत्पाद नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉली। ठीक है, डॉली एक ऐसा उत्पाद है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नहीं उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हैं दोस्तों, जो तीनों उत्पाद हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन इनमें से डॉली एक ऐसा है जो कि उत्पादित नहीं किया जाता डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ए रोजी, रोजी क्या है दोस्तों, यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया। रोजी अगर आपने नाम सुना होगा तो बता देंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। बताओ, ट्रांसजेनिक गॉट है, या फिर ट्रांसजेनिक काऊ है, या फिर सिप है, फ्लावर है, बताओ क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसजेनिक काऊ। अब एक ट्रांसजेनिक काऊ को क्या बोला जाता है दोस्तों, रोजी। आपको क्वेश्चन भी उल्टा कर दिया जा सकता है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज ए रोजी, रोजी क्या है, तो रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक काऊ है, राइट आंसर बी है हमारा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ट्रांसजेनिक काऊ को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रांसजेनिक काऊ को किस नाम से जाना जाता है, रोजी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाई, यानी कि पादप कोशिकाओं में उत्परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा प्रेरित किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, बताओ, जिएटिन, काइनेटिन, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गामा रेज के द्वारा पादप कोशिकाओं में उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशंस, उनमें एक तरह से कह सकते हैं हम फेरबदल किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गामा रेज के द्वारा पादप कोशिकाओं में हम उत्परिवर्तन कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं प्लांट सेल्स में। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में म्यूटेशन किसके द्वारा किया जाता है, गामा रेज के द्वारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन क्या है आपका, आपका 70 क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा दी फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल नेचर, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम की या फिर इकोलॉजी की पूरी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया आपसे। इट इज द हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
बायोटेक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम फंक्शनल रोल एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इन कम्युनिटी या फिर नॉन ऑफ दीज। बताओ इकोलॉजिकल नेचर की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर आपका फंक्शनल रोल एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इन ए कम्युनिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पारिस्थितिकी की परिभाषा हो जाएगी आपकी फंक्शनल रोल एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इन ए कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी में हम बोल सकते हैं एक समाज में जो फंक्शनल रोल रखता है ऐसा ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल नीचे की डेफिनेशन फंक्शनल रोल इन एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इन ए कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर दी एबायोटिक कंपाउंड ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इन सभी में से एबायोटिक कंपाउंड कौन सा है इकोसिस्टम का। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में एजेबिक घटक कौन से हैं वो यहाँ पर पूछा है, कौन से हैं बताओ, सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन या फिर ऑल ऑफ दी या सभी है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी, यानी कि ये सभी जो कंपोनेंट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं प्यारे बच्चों ये सही एजेबिक घटक हैं सारे। ठीक है, तो ये पूरे एबायोटिक कंपाउंड से सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन ये तीनों ही एबायोटिक कंपाउंड है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए वो रखा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है वो पूछा गया है यहाँ पे। वाटर वेपर है ये ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, O2 जिसे बोला जाता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ग्रीन हाउस गैस है, मोर देन वन ऑफ दीज। ठीक है, मोर देन यानी कि इसमें एक से ज़्यादा जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यानी एक से ज़्यादा भी नहीं है यहाँ पे, तो एक ही है। अब एक राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका द वर्ल्ड डोलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी डोडो वर्ल्ड किसका एग्जाम्पल है। डोडो पक्षी का नाम तो सुना होगा प्यारे बच्चों आपने, डोडो पक्षी किसका एग्जाम्पल है। एक तो है एंडांजेरेड स्पेसीज, एक है एक्सटिंक्ट स्पेसीज विलुप्त प्रजाति जिसे बोला जाता है, एक है थ्रेटेनेड स्पेसीज यानी संकटग्रस्त जिन पर संकट है दोस्तों, मोर देन वन ऑफ दी अबव उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, यानी कि डोडो पक्षी की जो प्रजाति है दोस्तों वो विलुप्त हो चुकी है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विलुप्त प्रजातियों में कौन सा है दोस्तों, डोडो पक्षी का उदाहरण है। डोडो पक्षी एक ऐसी प्रजाति है जो कि विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो कैसी प्रजाति का उदाहरण हो जाएगा, ये विलुप्त प्रजातियों का। ठीक है, जिसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोला जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन आपके लिए वन ऑफ दी एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स, यानी कि विकिरण प्रदूषकों का एक उदाहरण कौन सा है रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स का। SO2, O3, आयोडीन 131, मोर देन वन ऑफ दीज, बताओ सही आंसर क्या है आपका। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों O3। ठीक है, यहाँ पे O3 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के 3 अणु। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने अणु हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 अणु देखने को मिल रहे हैं आपको, O3 जो कि ओजोन में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन में पाया जाता है। ठीक है, जिनको ओजोन बोला जाता है, क्या है, ओजोन गैस के नाम से बोला जाता है। विकिरण प्रदूषकों का एक उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, O3 जिसे क्या बोला जाता है, ओजोन गैस के नाम से भी जाना जाता है O3, जिसमें ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड होते हैं। तो रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल क्या हो गया प्यारे बच्चों, O3 जिसे ओजोन गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी ओजोन गैस को रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन ए फूड चेन सेकेंडरी प्रोड्यूसर आर, बताओ एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक कौन से होते हैं। ओमनिवर्स सर्वाहारी होते हैं, कार्निवर्स मांसाहारी होते हैं, हर्बेरियर्स शाकाहारी होते हैं या फिर डिकम्पोजर्स अपघटक होते हैं, बताओ। खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक होते हैं कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, हर्बेरियर्स यानी शाकाहारी। यहाँ पे पूछा है प्यारे बच्चों फूड चेन यानी कि दोस्तों खाना, फूड चेन में सेकेंडरी प्रोड्यूसर खाद्य श्रृंखला में पूछा है, खाली खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ना कि सर्वाहारी होते हैं, ना मांसाहारी, ना अपघटक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है वो रखा गया है प्यारे बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोटोन, इकोटोन की मीनिंग क्या है, इकोटोन का अर्थ क्या है वो पूछा है यहाँ पे। इकोटोन इज वेयर टू बिकम बायोम्स मीट, यानी इकोटोन वह स्थान है जहाँ दो भौगोलिक क्षेत्र मिलते हैं, या फिर इट्स एन एरिया विद लो सर्वाइवल फॉर स्पीसीज, यानी यह प्रजातियों के लिए कम जीवित रहने वाला क्षेत्र है, एन एरिया विद लिमिटेड फ्लोरा एंड फौना वनस्पति और जीव जंतुओं की सीमित संख्या वाला क्षेत्र है, या फिर उच्च बायोमास उत्पादन वाला क्षेत्र, बताओ क्या है इसमें सही आंसर।
सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इकोटोन की मीनिंग या फिर इकोटोन का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इकोटोन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दो बायोम्स आपस में मिलते हैं। बायोम्स किसे बोला जाता है? भौगोलिक क्षेत्र को, ठीक है। इकोटोन एक ऐसा स्थान है जहाँ दो भौगोलिक क्षेत्र मिलते हैं। ओके, दो भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर मिलते हैं जिसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफाई ए वे, आइडेंटिफाई ए वे टू रेड्यूस द पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने का तरीका क्या है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो जलता है तो उससे प्रदूषण होता है, तो उसको कम कैसे करेंगे, हमें वो यहाँ पे पूछा। बाई लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग, बाई इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंब्यूजन प्रोसेस, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बाई इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंब्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर हम यहाँ पे पॉल्यूशन को कम करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंब्यूजन प्रोसेस, दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर हम यहाँ पे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, किसके पॉल्यूशन को? फॉसिल फ्यूल से, यानी जीवाश्म ईंधन के जलने के। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच इकोलॉजिकल पायरामिड इज ऑलवेज अपराइट, यानी कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, वो यहाँ पे पूछा है। पैरामिड्स ऑफ बायोमास, यानी बायोमास का पिरामिड हो गया, पैरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर्स का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, या फिर कार्बन का पिरामिड, बताओ क्या है इसमें राइट आंसर। सीधा पिरामिड कौन सा रहता है हमेशा पारिस्थितिकी में? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, एनर्जी का जो पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यानी ये हमेशा सीधा रहता है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 80, व्हाट आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट ईट दी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो कि दूसरे जीवों को खाता है, बताओ। होलोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसको, कीमोट्रॉपिक, या फिर स्प्रोट्रॉपिक, बताओ ऐसा जीव का नाम बताना है आपको जो कि दूसरे जीवों को खाता है, तो उसे बोलते हैं हम प्यारे बच्चों होलोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होलोट्रॉपिक जीव जिसे बोला जाता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दैट ईट अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, यानी कि होलोट्रॉपिक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे जीवों को खाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, वो रखा गया है, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ ए पाउंड। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल्स आपको देखना है जो कि तालाब में नीचे तल में पाया जाता है। ठीक है, तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों का एक उदाहरण आपको पहचानना है, कौन सा है ऐसा उदाहरण, बताओ। जूक प्लांट कौन होता है, या फिर जेली फिशेज होती है, या फिर फ्लैजेट्स होते हैं, बताओ। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फ्लैगेट्स। ठीक है, फ्लैगलेट्स जिसे बोला जाता है, फ्लैगलेट्स एक ऐसा एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसा अपघटक है जिसे कि तालाब में तल में पाया जाता है। ठीक है, तालाब में तल में पाया जाने वाला अपघटक का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? फ्लैगलेट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इन ए फूड वेब हाइंस एंड ए बुलचर्स आर। ठीक है, खाद्य जाल में लक्कड़, बग्घे और गिद्धे कौन से होते हैं, बताओ। खाद्य साइकिल तो आपने देखा होगा दोस्तों, फूड साइकिल, जैसे कि घास को खरगोश खाता है, खरगोश को कोई और खाता है, और फिर उसे कोई और खाता है, इस श्रृंखला होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें लक्कड़, बुग्गे और गिद्ध क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शिकारी होते हैं, या फिर स्केवेंजर्स होते हैं, या फिर डिकम्पोजर होते हैं। तो फूड वेब में हाइंस और वल्चर्स क्या होते हैं दोस्तों? मेला ढोले वाले होते हैं, स्केवेंजर्स जिनको बोला जाता है। ठीक है, फूड वेब खाद्य जाल में लक्कड़, बग्घे और गिद्ध क्या होते हैं? इसके वेंजर्स होते हैं, मेला ढोने वाले होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है, लीचेंस आर फॉर्म्ड एज दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लाइकेन किस जीव के बीच सहजीवी संबंध के रूप में बनते हैं, बताओ। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? लाइकेन किस जीव के बीच सहजीवी संबंध के रूप में बनते हैं? बैक्टीरिया एल्गी, या फिर बैक्टीरिया एल्गी फंगाई, एल्गी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया फंगाई। सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लाइकेन किस जीव के बीच सहजीवी संबंध के रूप में बनते हैं? शैवाल और कवक के बीच में बनते हैं। ठीक है, लाइकेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो है, द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच लाइव टूगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिटेड आर, बताओ। दो अलग अलग जीवों के बीच संबंध जो एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभान्वित होते हैं, वे हैं।
बताओ, सहभोजिता कहते हैं कॉमेनिल्स में, या फिर सिम्बायोटिक होते हैं, या फिर पैरासाइट होते हैं? बताओ, राइट आंसर आपका हो जाएगा सिम्बायोटिक, पर सहजीवी होते हैं। ठीक है, क्या इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सहजीवी होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बतानी है आपको दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि हमेशा साथ में रहते हैं या फिर लाइव साथ में टूगेदर। ठीक है, तो सहजीवी उनको बोला जाएगा, दो जीव जो यहाँ पे पूछा क्या है, दो जीव जो साथ में रहते हैं वो साथ में रहते हैं तो उनको सहजीवी बोला जाएगा। ओके, सिम्बायोटिक इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कॉजेज बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का कारण बनता है? बताओ, बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन, ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है जो कि जैव आवर्धन का कारण बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, DDT। DDT एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जो कि जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन का कारण बनता है। ठीक है, DDT की फुल फॉर्म तो आती होगी यहाँ पे, DDT की फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथेन, ठीक है, या फिर कुछ और है? बताओ इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, बाद में फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, अभी बता देता हूँ आपको आंसर, क्या पता पीछे अगली वीडियो में भूल जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, DDT तो हो गया इसका राइट आंसर। अब DDT की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछे तो DDT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन DDT की फुल फॉर्म है जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, एक क्वेश्चन में से डबल क्वेश्चन आपके लिए निकल रहे हैं। ठीक है, तो DDT की फुल फॉर्म क्या होगी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमिंग फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि दोस्तों मानव शरीर में उपास्थि का प्राथमिक कार्य क्या है? कार्टिलेज जो कि जॉइंट्स में पाया जाता है, ठीक है, तो जोड़ों में वह पाया जाता है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज का उपास्थि बोला जाता है इसे हिंदी में। इसका प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका प्राथमिक कार्य हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा टू प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस फॉर जॉइंट मूवमेंट, यानी कि जोड़ों की गति के लिए एक चिकनी सतह प्रदान कौन करता है प्यारे बच्चों, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का काम क्या हो गया, जोड़ों की गति के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करना। ठीक है, तो चिकनी सतह कौन प्रदान करेगा यहाँ पे, कार्टिलेज। ओके, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर ए जॉइंट मूवमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अप ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूगेदर विथ द ब्रेन। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, फॉलोइंग मेक्स ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूगेदर, यानी कि CNS का निर्माण कौन करता है, किसके साथ मिलकर, ब्रेन के साथ में मिलकर। ठीक है, तो ब्रेन के साथ में न्यूरोन, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, या फिर मोर ऑफ वन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी ब्रेन के साथ में मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो, यानी कि इन सब में से कौन सी डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो यानी मॉस्किटो मच्छरों के द्वारा फैलती है? बताओ कौन सी है ऐसी बीमारी जो आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलती है, मलेरिया, पीलिया, चिकन पॉक्स, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर तीनों ही? तो इसमें सही आंसर होगा आपका वो होगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलती है। ओके, ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो, मॉस्किटो पैरासाइटिक मॉस्किटो होते हैं दोस्तों जो कि मलेरिया को फैलाने का कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए वो आएगा दोस्तों, विच एंजाइम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, यानी ये कौन सा एंजाइम एल्कोहल के निर्माण में मदद करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, बताओ कौन सा एंजाइम है, जाइमेज, लाइपेज, इन्वर्टेज, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा, जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एल्कोहल के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, तो एल्कोहल का प्रोडक्शन या फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन के निर्माण में, फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, जाइमेज। जाइमेज कहाँ इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको सटाक से आंसर देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर सही से याद होंगे, सही से आपने पढ़े होंगे, तो आप सही से आंसर दे दोगे। मैं तो यही आशा करता हूँ दोस्तों आपके एग्जाम्स ऑल दी बेस्ट हो, बहुत ही अच्छे हों। ठीक है, और क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आएंगे दोस्तों, आप एग्जाम्स के पेपर देने के बाद में बताना कितने क्वेश्चन इसमें फंसे हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उन पर बताना एक बार ज़रूर, सर इतने इतने क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हैं। ठीक है, और खासकर दोस्तों PPMET और RUHS की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, PPMET और RUHS में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे। ओके,
तो कौन सा एंजाइम है प्यारे बच्चों, इसमें अल्कोहल के निर्माण में जाइमेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे पूछा है प्यारे बच्चों। श्वेत रक्त कणिकाओं को हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर मोर देन वन ऑफ दीज, यानी इनमें से एक से अधिक, बताओ क्या हो जाएगा। सही आंसर आपका हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को बोला जाता है। एरिथ्रोसाइट प्यारे बच्चों आरबीसी को बोला जाता है। किसे? आरबीसी की फुल फॉर्म अब आपको पता होगी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। यहाँ पे पूछा क्या है, श्वेत रक्त कणिका किसको बोला जाता है, तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट तो हो नहीं सकता। आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के, श्वेत रक्त कोशिकाओं के किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं को व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है प्यारे बच्चों, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स किसको बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आया है दोस्तों, वो आया है रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नॉन एज, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। मैंने अभी बताया ना आपको क्वेश्चन, बताओ हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या फिर वन ऑफ दीज, मोर देन वन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसे बोला जाता है, आरबीसी को। आरबीसी को फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स, जिनको श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे श्वेत, सॉरी यहाँ पे लाल लगा देना। लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, लाल रक्त कणिकाओं को, रेड ब्लड सेल्स को, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच जूस इज सीक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि ऐसा कौन सा जूस है जो कि सीक्रेट होता है ऑर्गन्स के द्वारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, यानी आहार नाल में सीक्रेट होता है। ठीक है, और जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाता है, डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के डाइजेशन में या फिर बोल सकते हैं अपन लिपिड के डाइजेशन में। ठीक है, पाचन तंत्र में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा बसा रस है जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि कौन से अंगों के द्वारा यह रस निकलता है जो कि किसके पाचन में, दोस्तों बसा के पाचन में, जिसे फैट के डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। पैनक्रेटिक जूस या फिर सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर म्यूकस, बाइल जूस या फिर पैनक्रेटिक जूस या फिर बोल सकते हैं सलाइवा या फिर हाइड्रोक्लोरिक जूस, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, बताओ। आप भी बता दिया करो यार कमेंट करके आंसर, अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मेरे से पहले बताइए, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, प्लस में मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा भाई, स्टूडेंट्स से जो इंटेलिजेंट है जो कि हमारे पास में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बताओ क्या होगा इसमें सही आंसर, क्या हो जाएगा आपका इसमें सही आंसर, होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, यानी पित्त रस और अग्नाशयी रस। बाइल जूस, ठीक है, जो कि लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस कहाँ से, लीवर से। और फिर पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस इसमें ही नाम आ रहा है प्यारे बच्चों, पैनक्रियाटिक यानी पैनक्रियाज से सीक्रेट होगा। तो एक जूस तो लीवर से सीक्रेट होता है जिसको बाइल जूस के नाम से जाना जाता है, एक जूस है जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है जो कि पैनक्रियाज के द्वारा होता है, ठीक है, उसको पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही जूस हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, ये फैट के डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन रखा गया है प्यारे बच्चों, वो रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स, यानी कि गलफड़े कौन से एनिमल्स में, कौन से जानवर में नहीं पाए जाते हैं, वो पूछा है यहाँ पे। ऑक्टोपस होते हैं, स्क्विड होते हैं, क्लाउन फिश होती है या फिर व्हेल मछली में पाया जाता है। ठीक है, जलीय जानवर पूछा, ओनली फॉर आपको क्या पूछा, जलीय जानवर, यानी कि फॉलोइंग निम्नलिखित में से किस जलीय जानवर में गलफड़े नहीं पाए जाते हैं, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश या फिर व्हेल, चारों ही मछलियाँ हैं दोस्तों यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है वो। तो आपका सही आंसर क्या होगा, व्हेल मछली, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेल, व्हेल मछली में दोस्तों गलफड़े नहीं पाए जाते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए स्टूडेंट्स, वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इन सब में से कौन सा एक है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, वो आपको यहाँ से पूछा है। निम्न में से रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, यानी कि इन चारों विटामिन में से एक ऐसा विटामिन बताना है आपको जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताओ, विटामिन ए, डी, ई या फिर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को क्या बोला जाता है बच्चों, बताओ, फॉलिक एसिड को क्या बोला जाता है, फॉलिक एसिड को विटामिन B9 बोला जाता है। ठीक है, B9, फॉलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है। यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, विटामिन
बेनाइन का नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, फॉलिक एसिड के। और विटामिन बी ट्वेल्व को दोस्तों बताओ, विटामिन बी ट्वेल्व को बताओ किस नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालेमाइन। फॉलिक एसिड के नाम से विटामिन बी नाइन, बी ट्वेल्व को साइनोकोबालेमाइन के नाम से जाना जाता है। ओके, आपको यहाँ पे क्या बताना है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम है, कौन सा विटामिन है जो कि मदद करता है, बताओ। विटामिन के आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी कि एक तरह से दोस्तों बोलते हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है, विटामिन के इन्वॉल्व होता है जो कि रक्त का थक्का जमने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रक्त का थक्का जमता है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्न में से किसके कारण होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है, बताओ। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगाई, प्रोटोजोआ। तो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों वायरस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा कैसी डिजीज़ हो जाएगी, एक वायरल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा कैसी डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है, वायरस के कारण। ओके, वायरस यानी एक दूसरे से फैलता है उसे वायरस बोला जाता है। बैक्टीरिया नहीं है, ना ही फंगाई है, ना ही प्रोटोजोआ। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टीबी रोग निम्न में से किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो टीबी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। अब बैक्टीरिया कौन सा है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, तो ट्यूबरक्लोसिस जो रोग है कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है बताओ, आप भी बता दिया करो यार एक दो क्वेश्चंस। टीबी रोग कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण होता है टीबी, टीबी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया टीबी के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, ट्यूबरकुलाई एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस का कारण बनता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी जो डिजीज़ है उसका ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसके कारण फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो बैक्टीरिया हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इताई इताई डिजीज। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो, न्यू नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेस सारे आपको मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से आपको सारी ये PDF है वो मिल सके, प्लस में आपको सारी न्यूज़ नोटिफिकेशन वहाँ से आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए, जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया था दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं, हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। ओके, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो कैसी लगे दोस्तों वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ सकें। ठीक है, आप जितनी कमेंट करोगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे, प्लस में ऐसे ही हम आपके लिए प्रिपरेशन कराते रहेंगे। अब कैसी अगर कोई कमी है तो कमेंट करके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, देखते हैं इताई इताई डिजीज किसके कारण होती है, इताई इताई जो रोग है किसके कारण होता है दोस्तों बताओ। इताई इताई रोग पारा, कैडमियम, ऑर्सेनिक नाइट्रेट, यानी कौन से एलिमेंट के कारण होता है इताई इताई रोग। इताई इताई रोग होता है प्यारे बच्चों वो होता है कैडमियम के कारण। किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण इताई इताई रोग होता है। ओके, अब ये कैडमियम दोस्तों ये अभी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कम ज़्यादा होने के कारण होता है, कम होता है तब होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो इताई इताई डिजीज़ है दोस्तों ये इम्बेलेंस के कारण होती है, यानी कैडमियम जो एलिमेंट है, कैडमियम जो धातु है, ठीक है, कैडमियम जो एलिमेंट है, तो कैडमियम है उसका इम्बेलेंस होने के कारण इताई इताई रोग होता है। अब कैडमियम अगर दोस्तों आपकी बॉडी में अगर कम पड़ जाएगा, कैडमियम की मात्रा कम हो जाएगी, तो कैडमियम के कारण भी यह इताई इताई रोग हो सकता है। प्लस में इसकी अगर मात्रा बढ़ जाएगी आपके शरीर में, कैडमियम की जो मात्रा है वो बढ़ने के कारण भी इताई इताई रोग होता है। ओके, राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कैडमियम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 98 ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाई, यानी ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों वो आपको यहाँ पे बताना है। मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक या फिर नाइट्रेट। तो बताओ कैडमियम के कारण होता है, मरकरी के, आर्सेनिक, नाइट्रेट।
ब्लैक फुट रोग होता है वो होता है प्यारे बच्चों ऑर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण? ऑर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ब्लैक फुट डिजीज किसके कारण होती है? ऑर्सेनिक के इम्बैलेंस के कारण, ऑर्सेनिक की मात्रा बॉडी में बढ़ जाने से ब्लैक फुट रोग हो जाता है, और कमी होने के कारण भी ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ओके, अब देखते हैं 99वां क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है। व्हाट इज़ द एक्चुअल रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्युलर रेस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। बताओ प्यारे बच्चों, कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या होगी? कोशिकीय श्वसन में दोस्तों इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, यानी यह ग्लूकोज को तोड़ता है, या फिर इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ETC एंड बताओ यह ETC में इलेक्ट्रॉन का अंतिम स्वीकर्ता है, या फिर इट एक्टिवेट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है, या फिर इट स्टिमुलेट एंजाइम्स, एंजाइम्स को उत्तेजित करता है। बताओ क्या है इसमें सही आंसर क्या होने वाला है आपका? तो आपको प्यारे बच्चों सही आंसर वो होगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETC। ETC फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। क्या है ETC फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ओके, तो यह ETC में फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि ETC जो चैन है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकर्ता क्या होता है आपका? ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इन सेल्युलर रेस्पायरेशन, यानी कि सेल्युलर कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है? मुख्य रोल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करना होता है ETC चैन में। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया इसमें, ठीक है, ETC में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट एंड 100वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या होए, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों फाइनल मैराथन का, ये पूरा लास्ट का क्वेश्चन होता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि मानव के दोस्तों फेफड़े में कौन सा सरफेस है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है? बताओ कौन सा है? फेफड़ों में, मानव के फेफड़ों में कौन सा भाग गैस के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है? गैसों का दोस्तों जो आदान प्रदान होता है उसके लिए सरफेस कौन प्रोवाइड कराता है? डायफ्राम, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकाई, या फिर एल्वियोलाई। तो आपका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एल्वियोलाई, जो कि गैसों के एक्सचेंज में या फिर आदान प्रदान में मदद करता है। ओके, एल्वियोलाई होता है, आपने अगर दोस्तों लंग्स के आपने स्ट्रक्चर देखी हो, इस तरह से कुछ लंग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लंग्स होते हैं, तो इसमें दोस्तों अंदर जाकर जो लास्ट में जो गैसेज आती हैं, तो दोस्तों छोटे छोटे एल्वियोलाइज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद में दोस्तों एल्वियोलाई आती है। एल्वियोलाई सबसे एंड पार्ट होता है लंग्स का, ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या करती है, वहाँ पे गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है, सतह प्रदान कराती है, वहाँ से दोस्तों ऑक्सीजन गैस को तो अंदर जाने देती हैं ये, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेती है ब्लड से, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस को तो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती हैं? ब्लड में, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्लड से बाहर ट्रांसपोर्ट करवा देती है, ठीक है, लंग्स के थ्रू। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ओके, ये देखिए अब वन आपको दोस्तों दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में रखे गए हैं, 101 एंड 102, 101वां क्वेश्चन और 102वां क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा रखे गए हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो इनको भी इसमें PDF में ऐड कर दिया गया है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा होने वाले हैं। वाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द यानी पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों? बताओ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप ही दे दो इसका आंसर, तो किडनी में, सेलिवरी ग्रैंड, लीवर, या फिर लंग्स। बताओ कहाँ होता है पित्तरस का निर्माण? कहाँ होता है? किडनी में होता है, सेलिवरी ग्रैंड में होता है, लार ग्रंथि जिसे बोला जाता है, लीवर यानी यकृत में होता है, या फिर लंग्स में होता है, फेफड़े। बताओ क्या है सही आंसर क्या होने वाला है आपका? कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताओ प्यारे बच्चों? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लीवर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, यकृत। अब यकृत में बाइल जूस कैसे है? आपने दोस्तों कभी देखा होगा बाइल जूस एंड पित्त की थैली, नाम तो सुना होगा कि भाई पित्त में पथरी हो गई, पित्त की थैली में, सुना होगा पित्त की थैली जिसे बोला जाता है, तो वो बाइल जूस उसी में सीक्रेट होता है, पित्त की थैली जिसे बोला जाता है, ठीक है। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों? बाइल जूस पित्तरस कहाँ का निर्माण होगा? पित्तरस का पित्त की थैली में। अब पित्त की थैली कहाँ सिचुएटेड होती है दोस्तों? कहाँ इसकी साइट कहाँ पाई जाती है? लीवर के जस्ट नीचे पाई जाती है। ओके, तो लीवर के जस्ट नीचे पाई जाती है, तो पित्तरस कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों? लीवर से। ओके, सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, लीवर इज राइट आंसर।
अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन क्या है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि ह्यूमन के ब्रेन में यानी कि सोचने वाला पार्ट कौन सा है जो कि सोचने वाला भाग है, बताओ इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मानव मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा है, पश्चिम मस्तिष्क, सेरेब्रम, मध्य मस्तिष्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ हिंड ब्रेन होता है या फिर सेरिब्रम होता है या फिर मिड ब्रेन होता है, नॉन ऑफ द अबव, बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है, बताओ कौन सा पार्ट होता है जो कि सोचने वाला भाग होता है, थिंकिंग पार्ट इन ह्यूमन ब्रेन। कोई वैसे भी पूछ लेता है ना क्वेश्चन कि भाई थिंकिंग पार्ट कौन सा है ह्यूमन ब्रेन के, जनरली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरेब्रम एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन में जो कि सोचने का काम करता है, थिंकिंग पार्ट है सेरेब्रम। ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेरेब्रम। ठीक है तो ये आपके 102 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए जो रखी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं दोस्तों, PPMET और RUHS एग्जाम के लिए। किसके एग्जाम के लिए दोस्तों, PPMET और RUHS की एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं जो कि CPT एग्जाम्स में भी सिलेबस सेम है, तो दोस्तों उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके तो आप ये क्वेश्चंस देखिए, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF लीजिए, ये वहाँ PDF देख कर वहाँ से आप रिविजन भी कर सकते हो। ओके तो चलते हैं वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप और नेक्स्ट मैराथन नेक्स्ट क्लासेज आपकी लेके आते हैं अगले दिन। ठीक है तो बने रहना DV प्रो एजुकेशन के साथ में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके 2024-25 की जो प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से, अभी दोस्तों शुरुआत ही की है प्रिपरेशन की, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ना कि आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है तो बने रहना DV प्रो एजुकेशन के साथ में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियोज हम अपलोड करें क्लासेज अपलोड करें सबसे पहले आपके पास में आ सके। ओके चलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों PPMET जो एग्ज़ाम्स है 24 को या फिर 25 को होने वाला है, 25 को होगा पंजाब का PPMET एग्ज़ाम्स, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑल दी बेस्ट फॉर PPMET PGI MER। ठीक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट। चलते हैं, थैंक यू सो मच, बने रहना DV प्रो एजुकेशन के साथ में।